यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका विधानसभा में एक बड़ी आबादी के लिए मात्र 4 कमरों का ही अस्पताल उपलब्ध है। यहां साल भर पहले अस्पताल की बिल्डिंग की हालत जर्जर हो गई थी और इस मामले को विधानसभा सत्र के दौरान सरकार के सामने भी रखा गया। तब सरकार ने तुरंत प्रभाव से इसे खाली करने के आदेश दिए थे और इसे बदलकर पुरानी नगर पालिका के 4 कमरों में चलाया जा रहा है, लेकिन एक साल बीत जाने पर भी सरकार की ओर से इस अस्पताल का कोई दूसरा विकल्प नहीं दिया गया। इस 4 कमरे वाले अस्पताल में केवल गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसूति केंद्र बना है। वहीं दुर्घटना से प्रभावित पीड़ितों को इमरजेंसी जैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने नए परिसर के लिए प्रपोजल भेज दिया है। उम्मीद है सरकार जल्द इस ओर ध्यान दे और नूंह वासियों को नया अस्पताल मिले। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वसीम खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वसीम खान, तो क्या कुछ अस्पताल को लेकर समस्या और दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है? कासिम खान, जवाब दीजिए। दीपिका, ये मेवात जिले का हिस्सा है और राजस्थान की सीमा से लगता हुआ इलाका है। फिरोजपुर झिरका विधानसभा के अंतर्गत कम तकरीबन 80 से अधिक गाँव आते हैं और यहाँ पर जो PHC का भवन है वो पिछले कई साल से कंडम स्थिति में है और उसी में ये भवन अस्पताल चलाया जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ माह पहले इसे बरसात के सीजन को देखते हुए यहाँ से तब्दील कर दिया है और 4 कमरों का एक जो भवन है, जो पूर्व नगर पालिका का भवन है, उसे किराए पर लिया गया है जहाँ पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अब इसे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि 80-90 गाँव के लोग 4 कमरों में अपना इलाज कैसे करा सकते हैं। वहाँ डॉक्टर्स को भी बैठना है, स्टाफ का भी है, फर्नीचर भी है, उपकरण भी हैं और उसके अलावा वहाँ मरीजों का इलाज कैसे हो सकता है। तो कुल मिलाकर एक रेफरल अस्पताल की तरह ये अस्पताल काम कर रहा है और राजस्थान की सीमा से लगते हुए इलाके में स्थितियाँ और भी बेहद कठिन है। स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पहले ही लचर हैं और ऊपर से जब भवन ही नहीं है, डॉक्टर्स की भी कमी है, स्टाफ की भी कमी है, तो ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा करना किसी बेईमानी से कम नहीं। जी कासिम खान, जिस प्रकार से आपने बताया 80-90 गांव और महज 4 कमरे, एक साल हो चुके हैं इस वाक्य को हुए हैं, लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं गया? देखिए दीपसिंह का, जहां तक अनिल विज की बात करें, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको हरियाणा में दबंग के नाम से जाना जाता है, तेज तर्रार मंत्री वो कहलाते हैं, लेकिन उनके विभाग का इस तरह का आलम है। नूह में सिर्फ ये अस्पताल ही नहीं, एक बांधगी भर है, सारे ही, चाहे सामान्य अस्पताल हो, चाहे CHC PHC हो, सब सेंटर हो, सबके हालात बद से बदतर हैं। यहाँ स्वास्थ्य विभाग का बिल्कुल तनिक भी कोई ध्यान नहीं है, स्टाफ पर कोई ध्यान नहीं है, दवाइयों का यहाँ अभाव है, भवनों का अभाव है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। लगातार लोगों ने इस बात को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री से लगातार इस मांग को उठाया है, लेकिन सरकार इसको लेकर तनिक भी गंभीर नहीं है। कल ही एक मामले में हमने अपने चैनल पर एक मामला उठाया था दूसरे अस्पताल का, पिनगुआ CHC का जो निर्माणाधीन है, उस पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भरोसा दिलाया है कि मेवात के जो स्वास्थ्य विभाग के हालात हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा और जल्दी ही मामले की जाँच कराकर वहाँ पुख्ता स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। जी कासिम खान, जानना चाहेंगे कि कितनी जनसंख्या है जो इस अस्पताल पर निर्भर है? दीपिका, पूरा फिरोजपुर झिरका विधानसभा है जिसमें तकरीबन 3 लाख से अधिक आबादी यहाँ जो इस अस्पताल से जुड़ी हुई है, तकरीबन 3 लाख से अधिक की आबादी है। टोटल जिले की आबादी 14 लाख के करीब है, जिसमें नूह में भी CHC है, तावड़ू में भी CHC है और अलाफिया मांडीखेड़ा में सामान्य अस्पताल है। लेकिन ये जो इलाका है फिरोजपुर झिरका का, ये राजस्थान की और यूपी की सीमा से सटा हुआ इलाका है। जी कासिम खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए।